नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। हमाम में सब नंगे होते हैं, यह कहावत तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन इसे चित्रार्थ किया है खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने। हमारे स्थानीय पत्रकार को सूचना मिली थी कि उकलाना मंडी में गेहूं के गोदाम में रखी बोरियां खुले में भीग रही है और करोड़ों रुपए का अनाज बर्बाद हो रहा है। सूचना पर जब हमारे संवाददाता रियलिटी चेक करने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उकलाना स्थित गोदाम में पहुंचे तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। गोदाम में गेहूं खुले में पड़ा मिला। उकलाना में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदाम में रियलिटी चेक करने गए पत्रकारों को फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा फोन पर धमकी भी दी गई। इस मामले में नाटकीय मोड़ उस वक्त आया जब कल इंद्री में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति महकमे के मंत्री करण देव कांबोज ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर ऐसी कोई अनियमितता नहीं मिली है। मंत्री महोदय ने दावा किया कि शहर के मौजिक लोग एक अन्य पत्रकार और सीआईडी महकमे के एक कर्मचारी धर्मपाल सिंह के समक्ष पूरी जांच की गई, लेकिन शायद मंत्री जी सच्चाई को महकमे के करप्ट हो चुके अधिकारियों के चश्मे से देखने के आदि हो गए हैं, क्योंकि वह नहीं जानते कि जिन पत्रकार महोदय का वह नाम ले रहे हैं वह वहां मौजूद ही नहीं थे। हमारे संवाददाता ने सीआईडी महकमे के कर्मचारी धर्मपाल सिंह को फोन कर जब इसकी पुष्टि करनी चाही तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनके होते हुए उक्त नाम का पत्रकार वहां मौजूद ही नहीं था, जिनको मिलीभक्त करके फूड एंड सप्लाई महकमे के अधिकारी क्लीन चिट देना चाहते हैं। मंत्री महोदय ने जिन शहर के मौजूद लोगों के सामने जांच होने का दावा किया है वह कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के पदाधिकारी हैं। जब हमने उस वक्त मौके पर मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं और पदाधिकारियों से सच्चाई जाननी चाही तो उन्होंने सिरे से मंत्री महोदय के दावों को नकार कर दिया। सबने एक सुर में कहा कि वो उस वक्त मौके पर मौजूद थे जहां उन्होंने साफ तौर पर देखा कि जांच से पहले तमाम सबूतों को मिटाया गया था जिनके निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मौजूद भाजपा नेताओं ने यह भी बताया कि त्रिपाल से ढकी हुई गेहूं जो अंकुरित हो चुकी थी को उन्होंने स्वयं जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को दिखाया। हालांकि मामला मात्र इतना भर ही नहीं है कि संबंधित अधिकारी की लापरवाही से करोड़ों रुपए की गेहूं खराब हुई है, बल्कि एक अन्य मामला भी है जिससे लगातार ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है कि वह कौन सा कानून या अधिकार है जो इन कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया गया है कि ये लोग अपनी गलतियां छुपाने के लिए सरेआम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मियों को धमका रहे हैं और उनका अपमान कर सकते हैं। क्या भारत का संविधान इस बात की इजाजत दे रहा है कि किसी भी महकमे में कार्यरत कोई भी कर्मचारी या अधिकारी मीडिया कर्मियों को उनका काम करने से रोके? शायद नहीं, लेकिन अपने उच्च अधिकारियों की शह पर चलाए जा रहे इस गड़बड़ झाले में शामिल अधिकारी और कर्मचारी शायद इस लूटमार को अपना पैदाइशी हक समझते हैं। कहा भी जाता है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब हम हमाम में सब नंगे होने वाली कहावत कुछ इथात करने वाली बात पर आते हैं। आनन फानन में जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी हिसार मुख्यालय से चलकर जांच के नाम पर अगले दिन उकलाना मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने मंडियां और शहर के कुछ सत्ताधारी नेताओं को भी आमंत्रित किया। सबके समक्ष जिलाधिकारी सुभाष सियाग ने एक वकील की तरह से आरोपी इंस्पेक्टर की पैरवी करते हुए सफाई देते हुए दावा किया कि उनके गोदाम में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं नहीं है और सारा गेहूं सुरक्षित है। साथ ही दावा किया कि त्रिपाल से खुले में पड़ा गेहूं ढका हुआ पाया गया और किसी भी प्रकार से अत्यधिक नमी होने के कारण उनकी गेहूं अंकुरित भी नहीं हुई है। जिलाधिकारी जी इस पर भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यह तक कह डाला कि न्यूज चैनल पर जो वीडियो दिखाई जा रही है वह उनके अपने गोदाम की है ही नहीं। लेकिन उस सारे मामले में आरोपी इंस्पेक्टर और उनकी जांच करने की जगह पैरवी कर रहे जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी सुभाष सिन्हा की सरेआम पोल उस वक्त खुल गई जब स्थानीय संवाददाता ने उनकी आंखों के सामने ही सबूत रख दिए कि किस तरीके से मिली भगत करके आप लोग अपने इंस्पेक्टर को बचाना चाहते हैं। स्थानीय संवाददाता ने शहर के मौजूद लोगों और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समक्ष ही जिलाधिकारियों को दिखाया कि किस तरीके से अंकुरित गेहूं को साफ किया गया है और जो चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी उसे भी कुछ ही देर पहले सफाई करके लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे संवाददाता द्वारा उस वक्त बनाई गई वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि जिसमें वह उन तमाम मिटाए गए सबूतों को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में जांच करने आए जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी सुभाष सिहाग भी कुछ साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जांच करने आए अधिकारी शायद अपना मन बना कर आए थे कि इस मामले को रफा दफा करके ही दम लेंगे और उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री करण देव कांबोज ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया था कि उकलाना में गेहूं अधिकारियों की लापरवाही से खराब हो गई है, जिसके चलते उन्होंने जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी सुभाष सिहाग को जांच के आदेश दिए थे। मंत्री करण देव कांबोज ने बताया कि उन्हें जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ता सीआईडी कर्मी शहर के मौजूद लोगों और एक अन्य मीडिया कर्मी के समक्ष जाँच शुरू हुई, जिसमें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना पाया गया है। मंत्री महोदय ने बताया कि जो गेहूं के अंकुरित होने का वीडियो सामने आया है वह भी उनका नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जिला उपायुक्त को दोबारा से जांच के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। एक न्यूज चैनल के ऊपर ये खबर चली है कि उकलाना के अंदर जो है ये जो हमारा गेहूं लगा हुआ है वो बरसात में भीग करके डैमेज हो गया है। तो मेरे पास भी फोन उनका चैनल वालों का आया था, उन्होंने लाइन पे लिया था। तो मैंने उनको कहा था, किसी इंस्पेक्टर के भी बारे में उन्होंने शिकायत करी थी कि उस इंस्पेक्टर ने हमारे साथ बदतमीजी भी की है। तो मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया था कि किसी को बदतमीजी करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात आए तो मेरे पास आप वो सारा मैटर भेज दें, मैं एक बार देख करके और निश्चित रूप में उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। और उसी समय मैंने अपने DFSC को फ़ोन करके कहा था कि अभी तुरंत मौके पर जाओ और जा कर के मुझे अभी सही रिपोर्ट दो, भी रिपोर्ट क्या है, कहीं कोई अनाज डैमेज हुआ या कहीं अन्य प्रकार की कोई कोताही बरती गई, उन लोगों के नाम बताओ जिन लोगों ने कोताही बरती है। तो हमारे DFSC मौके पर गए और साथ में 3 पत्रकारों को जो वहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, अनूप कुंडू पत्रकार, शिकायतकर्ता पत्रकार और श्री परसाराम पत्रकार दैनिक जागरण, वो साथ में गए। श्री धर्मपाल जी इंस्पेक्टर जो CID के इंस्पेक्टर हैं वो साथ में गए हैं। तो ये 4-5 लोग जो है ना, इनकी पूरी टीम जा कर के उन्होंने वहाँ सारी इंस्पेक्शन की। कहीं भी कोई भी स्टैक जो है ना वो खुला नहीं था, और ना ही कहीं बरसात के पानी से कोई वहाँ गेहूँ किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ है। जो जर्मिनेशन वाला एक बोरी जो दिखाई गई है वो पता नहीं उसको कहाँ से उन्होंने शॉर्ट किया है, कहाँ से लेकर के उन्होंने दिखाई है। तो इस प्रकार का उकलाना का कोई मामला मेरे तो ध्यान में नहीं, पूरी इंक्वायरी हमने करा ली है। आज भी मैं वहाँ के DC से बात करके SR के और एक अन्य टीम वहाँ भेज करके सारी दोबारा एक बार जाना जाँच बारीकी से उसकी करवा रहा हूँ। ये तो सोनीपत का मामला सर? नहीं, सोनीपत का कोई मेरे संज्ञान में नहीं, ये उकलाना का कल मेरे समय आया था ध्यान में। उकलाना का तो टोहाना से आता होगा मेरे ख्याल में, शायद उकलाना पड़ता होगा। एक तो मामला ये टोहाना का है जिसमें पत्रकार जो राशन वितरण को लेके कोई धांधली का मामला था जो उन्होंने खबर चलाई थी। नहीं, ये तो खराब अनाज खराब होने का जो है ना कल की बात है। अच्छा, ये कल जो है ना, कल मेरे पास फोन भी आया था, उन्होंने मेरा भी वर्जन लिया था, मेरे को भी लाइन पे लिया था। मैंने उनको कहा था अगर कोई कोताही बरती गई किसी भी एंगल स्तर पर तो निश्चित रूप में ना कार्रवाई करूंगा। अनाज खराब करने वाले के खिलाफ में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सख्ताई की है तो मैंने किया अपनी सरकार में, और इसी का ये परिणाम भी हुआ कि हमारी सरकार में अब तक जो है पिछले 3 साल में हमारा 1% भी अनाज खराब नहीं हुआ, यानी कि इतने अच्छे रिजल्ट जो है ना हमारे इसके रहे हैं। तो ये क्या इस तरह की यदि कोई शिकायतें आ रही हैं उनके खिलाफ विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है, कुछ हुई है किसी के खिलाफ या कुछ? हमने बहुत कई ऐसे लोगों के खिलाफ, उसमें हमारे कई इंस्पेक्टर भी जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, कई लोगों के खिलाफ जो शुरू में हमारे पास कंप्लेंट आई थी हमने उनको सस्पेंड भी किया था और FIR भी लॉन्च की थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके जो है ना जिन्होंने अनाज को खराब करने में कोताही बरती थी या जानबूझ करके पानी डाल करके अनाज को खराब किया जा रहा था, हमने रंगे हाथों ऐसे लोग। हिसार से DFSC सिहाग कल इंक्वायरी पर आए थे वहाँ पर, उस टाइम आप भी मौके पर थे, स्थानीय भाजपा के नेता भी हैं, तो क्या कुछ वहाँ पर आपने देखा? और एक वहाँ पर ये भी इंक्वायरी में जो मंत्री को गुमराह किया गया कि पासाराम पत्रकार वहाँ पर थे, तो इस पूरे मामले के बारे में आप बताइए। कल शाम के टाइम जब हम अनूप पत्रकार जी के साथ वहाँ गए थे, 5-4 लोग हम साथ भी गए थे उनके देखने के लिए, तो हमने वहाँ जाके देखा था कि एक जो सफाई की गई थी वो ताज़ा अर्जेंट की सफाई की हुई थी। हमने हर जगह चेक भी किया था, लेकिन जो मामला परसों दिखाया गया था लेकिन वो कल उसमें फेरबदल था। पहले परसों वाली वीडियो में देख रहे हैं कि उसमें घास वगैरह खड़े हैं, तरपाल उठा हुआ है, लेकिन कल वो बिल्कुल एक्यूरेट किया हुआ था उन्होंने। रही बात दूसरे पत्रकार की, जब हम 5 आदमी साथ में गए उस टाइम ना कोई अनूप कुंडे के सिवाय वहाँ कोई पत्रकार मौजूद नहीं था, ना हमारे साथ था, ना वो आगे पीछे से बाद में आए, वो हमें इस बात का नहीं पता है। एक कुछ DFSC के सामने बोरियां भी उठाई गई थी अंकुरित अनाज की, उस टाइम DFSC भी मौके पर थे। हाँ जी, वो साइड वाली बोरियां उठा के दी उन्होंने, दिखा दी थी, लेकिन जो बीच वाली रो में जब जाके उनको दिखाया गया तो वहां भी अंकुरित था।
आप निगरानी कमेटी के सदस्य हैं, कल आप इंक्वायरी पर थे वहाँ, DFSC जब आए तो वहाँ पर जिस प्रकार के जो मामला आया उसके बारे में बताइए क्या कह रहे हैं। कल जो गए थे वहाँ, तो उस टाइम तो वहाँ पूरी सफाई हुई थी, वहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। जो पहले वाली वीडियो थी वो ऐसी नहीं थी कल वहाँ। तो रही बात जो पत्रकार कह रहे हैं पासाराम जी, वो हमारे साथ नहीं थे वहाँ। एक्यूरेट साफ सफाई थी, डैमेज नहीं था। एक दो बोरियों में जो था वो हमको देखा था, उसकी वीडियो आपने बनाई हुई है। लेकिन जो मंत्री जी को गुमराह किया है अभी पासाराम जी थे वो, उस टाइम वहाँ पासाराम जी तो नहीं थे। फूड सप्लाई मामले को लेकर कल DFSC सिहाग जो है इंक्वायरी पर आए थे, तो वहाँ पर क्या कुछ मामला हुआ उसके बारे में? DFSC साहब, जब हम वहाँ पे गए थे तो हमने वहाँ पे देखा कि वो भी इंक्वायरी पे आए हुए हैं और हमारे भी कुछ साथी वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे ताज़ा सफाई की हुई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बोरियों को ताज़ा साफ किया गया हो, ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा था। और आगे जा करके जब देखा तो कुछ अंकुरित भी बोरियों में से बाहर निकला हुआ था और सफाई वहाँ पे बिल्कुल ताज़ा की हुई। यहाँ के जो अधिकारियों ने रिपोर्ट भेजी उनका मानना था कि यहाँ पर ऐसी कोई अंकुरित बोरियाँ या कोई मामला था ही नहीं। नहीं, अधिकारियों ने अगर ऐसा कहा है तो उन्होंने मामले को गोलमोल करने के लिए और मामले को दबाने के लिए, अपने कर्मचारी को बचाने के लिए, जो कि बिल्कुल प्रथम दृष्टा जिन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया उसके तहत प्रथम दृष्टा वो दोषी है और हम भी उसके लिए मांग करते हैं कि सरकार को उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फूड सप्लाई में कल इंक्वायरी आई थी, जिस टाइम DFSC सुभाष सिहाग मौके पर थे वहाँ पर आप लोग भी इंक्वायरी में थे, तो जिस प्रकार से सामने आया है कि वहाँ पर पासाराम पत्रकार का नाम जिस प्रकार से कर्णदेव कंबोज के सामने यहाँ के अधिकारियों ने पहुँचाया है और वहाँ पर जो जिस प्रकार का के अंकुरित अनाज नहीं था, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? जब हम इंक्वायरी के टाइम शाम को वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर देखा था कि जैसे वर्षों वीडियो देखी थी अंकुरित बीज की, वैसे हमें नहीं मिला। बट जहाँ वो सफाई का अभियान चला हुआ था, उनका जो ताजी सफाई कर रहे थे वो, उसके अकॉर्डिंग हमें लगा और आगे जाके हमने देखा तो एक दो बोरियों में अंकुरित बीज हमें मिला था। और रही पासाराम जी की बात, उस टाइम जब हमारी पूरी इंक्वायरी थी, साथ में हम तीन चार हमारे पदाधिकारी थे, उस टाइम पासाराम जी वहाँ नहीं थे, लेकिन आगे या पीछे जब वो गए थे वो मेरे संज्ञान में नहीं है। खाद्य आपूर्ति का एक कल मामला आया था जिसको लेकर के आज आपने विजिट किया है, तो क्या कुछ पाया इसमें? ऐसे स्टॉक बिल्कुल साउंड, प्रॉपर स्टैकिंग और बिल्कुल कवर्ड पाया गया। जिस प्रकार से आपने देखा मौके वारदात पर जो आज सफाई की गई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सफाई तो जो है टोटली RCC का प्लिंथ है, जिसपे स्टैक लगे हुए हैं वो RCC का प्लिंथ है, उसमें तो है ही नहीं कि सफाई ना सफाई का कोई इश्यू नहीं है। जिस प्रकार से कुछ वीडियो आपके सामने भी अंकुरित अनाज की बोरियां दिखाई गई है मौके पर, उसके बारे में? नहीं, कहीं कोई अंकुरित नहीं पाया गया। एक दो पॉइंट्स थे, एक दो कट्टे पे जहां कहीं न कहीं स्टैक के अंदर पानी लगा हुआ है। अब देखना यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी सरकार और महकमे में मंत्री महोदय की आंखें खुल पाती हैं या नहीं, या फिर अभी भी मंत्री महोदय अधिकारियों के भ्रष्टाचार सने चश्मे से ही सारे मामले को देखते रहेंगे। राम राज्य का दावा करने वाली प्रदेश की खट्टर सरकार से धृतराष्ट्र के फैसलों की उम्मीद किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती। अगर अब भी इस प्रकार सरेआम सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाने और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मियों को धमकाने वाले अधिकारी छूटते रहे तो यह समझने में कोई गुरेज नहीं होगा कि इस प्रदेश की सत्ता राम भरोसे चल रही है।